डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया टोप्पो, प्रस्तुत है समाचार। कांडी से हमारे संवाददाता विवेक चौबे की रिपोर्ट। पलामू, सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च कर जगह जगह गांव में जल मीनार लगवाया गया है ताकि ग्रामीण पानी के लिए इसे उपयोग में ला सकें। वहीं यदि जल मीनार का केवल ढांचा तैयार कर खड़ा किया गया हो और ग्रामीणों को जल मीनार से एक बूंद भी पानी न मिले तो यह हास्यास्पद ही है। जब से कोरोना को लेकर लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर अब तक उटारी रोड प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत लुम्बा सतबहिनी पंचायत के उराव टोला गबरलेटवा में स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के परिसर में लगा जल मीनार बेकार साबित हो रहा है। इस संबंध में युवा नेता सह समाज सेवी अजय गुप्ता ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंचायत मुखिया अनिता देवी के द्वारा यह जल मीनार लगवाया गया है। इस प्रकार इस पंचायत में केवल सरकार के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। गुप्ता ने बताया कि पहाड़ के गोद में बसा उराव टोला गबरलेटवा, जहां पर 95% गरीब आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं, वहां पर ना ही कोई नेता और ना ही कोई सरकारी बाबू पहुंचते हैं। साथ ही गुप्ता ने बताया कि 3 माह पूर्व प्राथमिक विद्यालय उराव टोला गबरलेटवा में जल मीनार लगाया गया था, किंतु मोटर का स्विच विद्यालय के अंदर कार्यालय में लगाया गया है। वहीं तकरीबन 2 माह से चापाकल खराब स्थिति में पड़ा हुआ है। जल मीनार का सारा नल टूटा हुआ है। इस समस्या से निजात दिलाने के हेतु ग्रामीणों ने समाज सेवी अजय गुप्ता से गुहार लगाई है। उन्हें ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय परिसर में इस जल मीनार को लगाने से ग्रामीण व उक्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कोई लाभ नहीं है, जबकि एक जल मीनार पर सरकार द्वारा 3,84,000 रुपए खर्च किए गए हैं। नाम मात्र से खड़े जल मीनार से स्पष्ट होता है कि कागजी घोड़ा दौड़ाने का प्रयत्न किया गया है। अजय गुप्ता ने ग्रामीणों की शिकायत पर उच्च अधिकारियों द्वारा जांच कर उक्त जल मीनार को ठीक कराकर उपयोगी बनाने की मांग की है। जल मीनार लगा हुआ है उरा टोला गोलेटवा जी, उरा टोला गोलेटवा में, और इसका आप देख रहे हैं कि पूरा नल टूटा हुआ है, सभी नले टूटे हुए हैं, चापाकल आपका खराब पड़ा हुआ है। कब से स्थिति है जी, चापाकल कब से खराब पड़ा हुआ है? 2 महीने से पार हुआ। और ये देखिए आप, जो ये जो पाइप लगा हुआ है पाइप, और ये जो जो भी सामान इसमें जल मीनार पर लगा हुआ दिख रहा है, ये भी जो कंपनी के था लगाना था वो कंपनी के शायद लगा हुआ नहीं है, ठीक ना। और इसका स्विच बोर्ड देख रहे हैं आप, स्कूल के अंदर कार्यालय में आपका लगा हुआ है, जिससे आप कोई भी बाहरी आदमी या गाँव का आदमी इससे पानी पी नहीं सकता है, या फिर कोई भी चीज़ समस्या जो होगा पानी से रिलेटेड वो यूज नहीं कर सकता है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से नल पूरा चारों के चारों टूटा हुआ है, जिससे यहाँ के ग्रामीण जनता को काफ़ी समस्या होती होगी नहीं समस्या जी, होता है ना। तो ये जो स्कूल में भी ये लगा हुआ, पहली बात ये है कि स्कूल में लगा हुआ कहीं ना कहीं मुखिया लोग के लापरवाही के कारण यहाँ पर स्थित किया गया है जल मीनार। चलिए ठीक, आपका क्या नाम है? घर गोलेटवा। अच्छा अच्छा, तो ये जल मीनार जो लगा हुआ है कब लगा हुआ जल मीनार? 3 महीना पहले। 3 महीना पहले। और ये कितना महीना मतलब उसमें पानी दे रहा था? पानी 1 महीना का लगभग किया है सब। अच्छा, उसके बाद खराब हो गया? 1 महीना ही कोल पानी पे, उसके बाद खराब हो गया। हाँ। अच्छा अच्छा, तो जल मीनार आपका जो पानी जो आप लोगों को प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है समस्या, जब जल मीनार खराब पड़ा हुआ है जिससे आप लोगों को समस्या होती है ग्रामीण जनता का? होता है ना। हाँ अच्छा, तो आप लोग क्यों नहीं कंप्लेन कर रहे कि भाई जल मीनार खराब है, और आप देख रहे कि चापाकल भी लगा वो भी खराब पड़ा हुआ है, जल मीनार का नल टूटा हुआ? तो हम लोग की गलती है ना, नहीं कर रहे हैं तो। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, हम लोग को तो गलती है, लेकिन मुखिया। तो ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड यूट्यूब एवं माँ अमृतारा नेटवर्क के चैनल नंबर 130 पर। हमारे चैनल यूट्यूब फेसबुक पर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूले, साथ ही साथ लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।